जनरल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो एक गैस इक्वेशन जनरली बन जाती है वो किस तरह से हम बनाते हैं जी, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बॉयल्स ड्रॉ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी बॉयल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है प्रेशर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो इनडायरेक्टली रिलेटेड था प्रेशर के, यानी कि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर हम वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर हमने दो चीजें जो है वो कॉन्स्टेंट की थी, एक तो एन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर, ये दोनों चीजें हमारे पास क्या थी जी, कांस्टेंट थी। यानी कि हमने जो मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे उनके नंबर ऑफ मोल्स हमने एक जितने रखे हुए थे और टेम्परेचर भी हमने यकसा रखा हुआ था, चेंज नहीं किया था, ठीक है, ये दोनों चीजें होंगी। उसके बाद हमने बात की थी किसकी जी, चले मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उसके बाद हमने बात की थी चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स लॉ के बारे में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक रिलेशनशिप वो देता है कि वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ही ज्यादा किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। और यहाँ पर दो चीजें कांस्टेंट थी, नंबर ऑफ मोल्स और क्या चीज जी, प्रेशर, यानी कि एक जैसा प्रेशर रखना है, उसको चेंज नहीं करना। एक नॉर्मल सा जो हमारे पास पिस्टन है उसके ऊपर जो वजन हमने रखा हुआ है वो सेम प्रेशर का रखा हुआ है, वो हमने उस गैस के ऊपर से चेंज नहीं किया, ठीक है, ये आ गया था हमारे पास। उसके बाद जो हमने बात की थी, हम कहते हैं जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं जी। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता था, एवोगैड्रोस लॉ हमें ये कहता था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एवो एवो एवोगैड्रोस लॉ, एवो गैड रोज लॉ, ठीक है, वो हमें ये कहता था कि हमारे पास जो है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम को ही हम ले रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लोगे वहां पर हमारे पास उतने ही ज्यादा जो है उसका गैस का वॉल्यूम होगा। और यहाँ पर दो चीजें हमारे पास कॉन्स्टेंट थी, कौन कौन सी, हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कॉन्स्टेंट थे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ टेम्परेचर के लिए टी लिखा, प्रेशर के लिए पी लिखा, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास ये जो है वो तीन लॉस तकरीबन हमने क्या कर लिए हैं जी, कंपाइल कर लिए, एक जगह पे लिख दिए हैं, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम एक साइड पे आ रहा है और बाकी चीजें दूसरी साइड पे आ रही हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अगर इसके यहाँ पर उल्टी साइड पे नीचे साइड पे कोई चीज लिखी हो तो इसका मतलब है इसको बढ़ाने से ये चीज कम होगी, लेस होगी, और यानी कि इन दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी, ठीक है, और इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे का उल्टा रिलेशनशिप है। अब हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर देते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, एन आ जाएगा बिल्कुल सामने सामने, टी सामने आया हुआ है टी को सामने लिख देते हैं, और पी नीचे आया हुआ है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के ना हम एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, बी इज इक्वल्स टू लिखते हैं जी कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट हमने लगा दिया, और साथ में क्या लिखेंगे, एन टी, और नीचे क्या लिख देना हमने, पी, ठीक है जी। अब इस कॉन्स्टेंट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, हम लिख देते हैं वी इज इक्वल्स टू आर, कॉन्स्टेंट हमने पिक कर लिया आर, ठीक है, एन टी, एन नंबर ऑफ मोल है, टी टेम्परेचर है, पी जो है वो प्रेशर है हमारे पास गैस का, तो इसको हम उस तरफ अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये हमारे पास जो फाइनली बन गई है, ये हमारे पास क्या बन गई है जी, इसको चले मैं थोड़ा सा इस साइड पे करके लिख देती हूँ, एन आर टी, ठीक है, ये हमारे पास जो बन गई है, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम क्या करें, हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये जो सारी की सारी बन गई है इक्वेशन जो बन गई है, इसको हम क्या नाम देते हैं जी, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास जो है वी इज इक्वल टू आर एन टी ओवर हमारे पास पी जो बना था, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई थी। आर जो था हमारे पास क्या है जी, हमारे पास
जनरल गैस कांस्टेंट है, इसको मैं इस साइड पे लिख देती हूं, ये क्या है, जनरल जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। और उसके बाद ये जो सारी अगर हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन बन गई है, इसको हम क्या कहते हैं जी, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, और इसको जनरल गैस इक्वेशन भी हम कहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करें, एक आइडियल गैस की हमें जो है क्वांटिटी पता हो और इसके प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में भी हमें जो है वो क्या हो पता हो, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के वेरिएबल्स डिफरेंट करके हम जो है वो उसको प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से जी, अगर हम देखें पीवी इस तरफ लिखा हुआ है और हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको टाइम बाय टाइम इस साइड पे लिख के ना हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ को करके और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा पी वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है जी, एन और टी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ऑलरेडी। एन और टी मैं इधर लिखती हूँ एन, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है जो कि हमने कहा, और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक जो है वो कांस्टेंट लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं एन टी, आर की जगह हम एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा सकते हैं के। तो इसी तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ को कहते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, पी वी इज इक्वल्स टू के, यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर जब हो जाता है, तो पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू करके हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास बन जाता है। इसी तरह से अगर हम क्या करें चार्ल्स लॉ को यहाँ पर लगाएं तो क्या हो जाएगा पी, ठीक है, हमारे पास जो है सॉरी इसको हम पी को यहाँ पर नहीं रहने देते बल्कि वी को इस साइड पर रहने देते हैं, ठीक है, पी को उस साइड पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आर एन टी ओवर पी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, एन भी हमारे पास ये कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और आर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो टी क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, यानी कि वी इज इक्वल्स टू, यहां पर भी कांस्टेंट में के यूज कर रही हूं, ठीक है, स्मॉल के, और इन टू टी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं टी अगर उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा वी ओवर टी हो जाएगा, और इसी तरह से हम लोग चार्ल्स लॉ यूज कर रहे होते हैं वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चार्ल्स लॉ भी प्रूव हो गया और बॉयल्स लॉ भी हमारे पास प्रूव हो गया था। और एवोगैड्रोस लॉ की जब हम बात करते हैं तो दोबारा से यहां पर लिख लेते हैं जी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या कहा है कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट है, पी भी कॉन्स्टेंट है, तो पी भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया, टी भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम को इधर ही रहने देते हैं, एन को इधर ही रहने देते हैं, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनको एक साइड पे करके हमने निकाल दिया, तो वी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू एन इंटू के, और यही हमारे पास जो है वो एवोगैड्रोस भी है हमारे पास लॉ कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के जो है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ना वो क्या होती है, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को देखें तो हम लिखते हैं जी पी वी, अगर हम नंबर ऑफ मोल को निकाल दें हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास वन है, एन जो है वो वन हो गया, ठीक है, तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आर टी, आर को इधर ही रहने दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा पी वी ओवर टी इज इक्वल्स टू आर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है फाइनल, ठीक है, और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू ओवर टी टू, क्योंकि आर जो है हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका फाइनल कंक्लूजन देख लिया और ये है जी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन।